क्लास 10 के मैथ में त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न को सिद्ध किया जाएगा जो 2024 के लिए हम लोग को वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सो हो सकता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को बोर्ड में मिल सकता है। लिखा गया है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा हो जाएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस साइन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यानी करने का मतलब इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। LHS बराबर हम लोग को सिद्ध करना है RHS। अब आप लोग को कुछ करना नहीं, नहीं उताना है, नहीं डरना है। चलिए आप लोग यहाँ हल लिख दीजिए, हल शुरू कर दीजिए। इसमें से कॉमन निकाल दीजिए साइन, साइन थीटा कॉमन हो जाएगा 1-2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से कॉस कॉमन निकाल दो, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग इसको शुरू करेंगे बनाना। साइन थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा, इंटू कर दो यहाँ पे 1-2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1-cos² θ। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 1-cos² θ, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको आप चेंज कीजिएगा तो यह टैन थीटा हो जाएगा इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2-1 यहाँ पर हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, उसमें गुणा करेंगे तो -2, इसमें गुणा करेंगे तो -1+2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा -1 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा इंटू 1 में से 2 घटाएंगे -1+2cos² θ, यहाँ पर नीचे हो जाएगा -1+2cos² θ। इससे यह कहा जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा टैन थीटा। तो हम लोग को LHS में क्या था ये, और RHS में क्या था टैन, तो हम लिख देंगे LHS बराबर हो जाएगा RHS, PROVET। कभी कभी बोलते हैं कुछ अलग आप बुला जाता, कुछ अलग है क्या कीजिएगा।
तर गया, तर ले लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का। साइन ए प्लस कॉसेक ए के होल स्क्वायर इंटू कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस आप लोग को सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर है ना जी, ये हम लोग का प्रश्न है। चलिए हम लोग एल एच एस बराबर हम लोग को आर एच एस सिद्ध करना है, डरने की बात नहीं आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण आर एच एस। चलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर के सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इंटू कॉसेक ए। आप लोग को सूत्र बता दें हम, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, प्लस से आप हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए दो गुणे साइन थीटा सॉरी साइन साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान हो जाता है ए प्लस हो जाएंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दो गुणे साइन, आप लोग को सूत्र बताएगा तो देख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता था ए, यहाँ पर देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया एक, उसी प्रकार यहाँ पे सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा सेक थीटा। बाबू आगे तुम लोग बना रहे हो वही बना रहे हो अभी, यहाँ पर हो जाएगा
ये इनका मान कितना होता है एक, तो इसके जगह पर हम लोग कितना रखते हैं एक। अब आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दुगो दुगो कितना हो जाएगा चार को, दुगो दुगो कितना हो जाएगा चार। चलिए आप लोग मना लीजिएगा, आधा रखिए। यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है एक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, दो एकम दो, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा दो, दो ए कितना हो जाएगा दो, दो कितना हो जाएगा चार, चार ए कितना हो जाएगा पाँच, प्लस यहाँ पर हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग को यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पर हो जाएगा पाँच प्लस, इसका मान होता है एक प्लस हो जाएगा आपको, एक प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर होता है जी, कॉट स्क्वायर होता है, इसका सूत्र क्या होता है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है एक होता है, माइनस होता है प्लस होता है। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, यहाँ पे इसका होता है क्या होता है इसका लॉन्ग बटा कॉर बटा कितना होता है कॉर बटा लॉन्ग होता है, यही ना होता है, तो यहाँ पर हम लोग का कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक एक हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हम लोग क्या कर देंगे आधार बटा क्या कर देंगे हम लोग लॉन्ग कर देंगे। इस सूत्र से जब हम लोग निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है एक प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे एक प्लस कॉट स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका साधारण हो गया। सेक बराबर का होता है ये हो जाएगा एक प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। आप देखिए एगो एगो दुगो दुगो पाँच कितना हो जाएगा सात गो प्लस कितना है टेन कर दो पहले टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम लोग क्या मंगाना था सात प्लस ए नहीं मंगाना था सात प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हो एल एच एस बराबर कितना जाएगा आर एच एस वी आर ओ वी ए जी टू। हाँ दिक्कत है बोलो बता दें कहीं किसी को दिक्कत बोलो बोलो खराब बोलो से ता करिए बाबा जी भाई बोलो हूँ बोलो रे आ गया आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं पूरा अच्छा तरीका से लिख लीजिए। दो कॉस ए इंटू लिखा गया है सेक ए, इसी को यहाँ पर लिखा गया है, इसी भाग को यहाँ पर लिखा गया है, यह समझ में नहीं आ रहा है पर
कोई हो गया जी घर से आप लोग को जो जो भी क्वेश्चन इसको बनाने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है उसको लिख के लेके आइए कल संडे पूरा 10 मिनट पहले आइए जितना भी सीट करवाना है आप लोग करवा लीजिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए उसके बाद देखा गया सेक सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दिया गया है एक बटा टेन ए प्लस कॉट ए ये दोनों को अलग अलग हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अलग अलग प्रूफ कर देते हैं इसको हम लोग कर देते हैं ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं एल एच एस इसको हम क्या बोलते हैं एल एच एस इसको हम क्या बोलते हैं आर एच एस। देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पे कॉसेक ए बराबर क्या होता है तो एक बट्टा साइन ए माइनस ए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटा कॉस ए माइनस कॉस ए बटा ए अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए यहाँ पे हो जाएगा साइन ये हो जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू लघुत्तम निकाल लीजिए कॉस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा एक माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए गुणे इसका मान होता है साइन स्क्वायर ए बटा कितना हो जाएगा कॉस ए इससे इसको कटाइएगा इससे इसको कटाइएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए हम लोग का एल एच एस में आया है। अब आर एच एस में भी हम लोग क्या करना है मंगाना है। चलिए हम लोग आर एच एस में कैसे करेंगे एक बटा साइन ए बटा होता है कॉस ए प्लस होता है कॉस ए बटा होता है साइन ए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए साइन ए इंटू कॉस ए अगर हम लोग करेंगे कॉस कॉस से कम कॉस यहाँ पे साइन के स्क्वायर ए हो जाएगा हाँ तो साइन के करेंगे तो यहाँ पे कॉस के स्क्वायर हो जाएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एक बटा एक बटा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए एक बटा एक गुणे एक बटा एक गुणे इसका मान हो जाएगा सब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बटा एक यहाँ पर हो जाएगा फिर से एक बटा साइन ए इंटू कॉस एक बटा एक गुणा हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटा ए यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए
अब आप लोग देख लीजिएगा, यह LHS है तो LHS में क्या आ गया, cos A इंटू का आ जाएगा sin A, और यह भी इंटू में है तो यहाँ पे क्या आ गया है sin A इंटू cos A, तो ये हम लोग का क्या है RHS। ये दोनों पर आप लोग को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। लिखा गया देखो आराम से, कोई बताने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा से नोट कर लो। एक और भी प्रश्न आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक प्लस टैन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा एक माइनस टैन स्क्वायर ए एक माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर टैन स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को देखना है कि इसको और इसको अलग अलग करके इसको मंगाना है। चलिए तब हम इसी दोनों को क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं।
इसको LHS मान लीजिए और इसको हम लोग क्या कर लेंगे RHS मान लेंगे। अगर ये दोनों बराबर थे ये क्या हो जाएगा बराबर। चलिए ये जो सूत्र होता है हम लोग को याद होना चाहिए कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है एक। अगर यहाँ पे ये जाता है इधर माइनस उधर जाता है तो प्लस, तो sec स्क्वायर a बराबर होता है एक प्लस tan स्क्वायर a। उसी तरह यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला लगेगा cos sec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर एक। cos a तो एक प्लस कितना हो जाएगा cot a हो जाएगा, इसका मान हम लोग को पुट कर देना। अब चलिए LHS इसको हम मान ले रहे हैं LHS, इसके जगह पर हमको क्या रखना है देख लीजिए, एक प्लस tan स्क्वायर, एक प्लस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है sec LHS। चलिए आप रख देते हैं इसकी जगह पर sec स्क्वायर ए बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर ए। डरिए नहीं, इसका हो जाएगा तोड़िएगा तो एक बटा cos स्क्वायर ए, इसको तोड़िएगा तो एक बटा sin स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए इसे थीटा इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है एक, इसलिए sec थीटा बराबर होता है एक बटा cos थीटा। अब हम लोग इसको चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक बटा cos स्क्वायर a गुणे हो जाएगा कितना sin स्क्वायर a बट्टा हो जाएगा आपको a। इसमें इससे गुणा यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर a, यहाँ पर इसमें इससे गुणा cos स्क्वायर a। तो देखिए साइन थीटा बटा कितना होता है कॉस थीटा, इसका मान हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को इसको प्रूफ कर देना है। अब देखिए अब हम लोग को ऑलरेडी क्या करना है, ये हम लोग का माइनस में है, हम लोग को किस में लाना है प्लस। तो यहाँ पे सुनिए ध्यान रखिएगा हम बता रहे हैं, अगर इधर ये माइनस से उधर जा रहा है तो प्लस, ठीक है ना, ये इधर माइनस से उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो हम लोग इसी को चेंज करने का प्रयास कर देखिए कैसे कर लीजिएगा, यहीं पे समझ जाए। थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, मान रखिएगा तुरंत निकल जाएगा उसका। आप ध्यान रखिएगा क्या होगा, इधर ये माइनस इधर ये प्लस, इधर ला दीजिए इसको ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकाल दो तो हम लोग माइनस कॉमन निकाल देंगे तो एक प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इससे यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर माइनस इसको माइनस मान रखते भी हैं तो हम लोग आसानी से इसको क्या कर लेंगे बना लेंगे। नहीं समझ में आता हम आप लोग को इजी तरीके से समझा दे रहे हैं, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अब उतारने की बात नहीं। आप लोग हैं तो कुछ भी संभव है का। चलिए हम लोग थोड़ा सा पूर्वाग्रह स्टाइल में चलेंगे, एक बटा एक इसको चेंज कर दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा कितना जगह कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा जगह का अभाव है यही दिक्कत हो सकता है ना, तो आसानी से बन जाएगा। एक बटा कितना है एक, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ये लघुत्तम निकाल लीजिए कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। हम लोग क्वेश्चन गलती लिखे हैं, क्वेश्चन को गलती लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए।
क्वेश्चन को हम लोग गलती लिख दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ बाहर स्क्वायर होता है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बटा एक प्लस प्रिंसेस माइनस साइन ए बटा कॉस ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर एक बटा एक माइनस कॉस ए बटा साइन ए। तो पैसा भी जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको लघुत्तम निकाल दीजिए आप, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पर हो जाएगा एक माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर बट्टा साइन ए माइनस कॉस ए के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। अब फिर हम लोग को चलना पड़ेगा, इसको चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस टू साइन ए इंटू कितना आ जाएगा कॉस ए। बताए यहाँ पर कितना आ जाएगा वी स्क्वायर, ई स्क्वायर हो जाएगा ई साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा टू साइन इन ए इंटू कॉस ए, यहीं पर चेंज कर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ए, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा टू साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए, इससे यहाँ का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिए जगह नहीं है, और लिखे हम कहाँ पे यहाँ पर लिखते रहे, ध्यान रखिएगा साइन स्क्वायर ए बटा होता कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसका मान कितना होता है एक होता है, यहाँ पे एक लिख दिया गया है, यहाँ पे माइनस रखा गया है, इसका भी मान कितना होता है एक रख दिया गया, यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ पे आया कितना साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना गया कॉस स्क्वायर ए बट्टा में, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बट्टा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
मत करो। Thank you.